अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज सुबह की मेरी वीडियो जो कि YouTube शॉर्ट्स की थी 1 मिनट की, उसमें मैंने आप लोगों को प्रीव्यू दिखाया था कि किस तरह से मैं ड्यूल कैमरा मोड का इस्तेमाल कर पा रहा हूं अपने Redmi K20 Pro में। यानी कि गाइज मैं फ्रंट और बैक कैमरा से एक साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर पा रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसका ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आपको ओरिजिनल कैमरा ऐप दिखा देता हूँ। तो इसमें बहुत सारे आपको फीचर्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि आपको लॉन्ग एक्सपोजर मोड नहीं मिलता है गाइज़, आपको वो फीचर भी नहीं मिलता है जो कि ड्यूल वीडियो मोड हो। उसके बाद गाइज़ अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग में जाएंगे तो यहाँ पे SDR वीडियो रिकॉर्डिंग का मोड भी नहीं मिलता है एंड बहुत सारे फीचर्स वगैरह जो है मिसिंग है। तो बहुत ही सिंपल सा नॉर्मल सा आपका कैमरा मिलता है। वही गाइज़ मैनुअल कैमरा मोड में सिर्फ और सिर्फ फोटो खींच सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन नहीं मिलता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कैमरा ऐप मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो नॉर्मल MIUI पे काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको एक कस्टम रोम फ्लैश करना पड़ेगा। तो कौन सा कस्टम रोम है? तो वो है गाइस MIUI का EU रोम, EU यानी कि यूरोपियन रोम। तो उसकी मैं लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे फ्लैश कर सकते हो या फिर EU रोम पे जो भी बेस्ड होगा इस रोम वो आप फ्लैश कर सकते हो। जैसे कि ये वाला MIUI का मिक्स वर्जन है जो कि EU रोम पे बेस्ड है। कैसे फ्लैश करना है गाइस किसी कस्टम रोम को, उसका मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ। तो आपको गाइज उतना ज़्यादा जो है नॉलेज होना चाहिए कि कैसे रोम को फ्लैश करना है। तो सीधा गाइज रोम को डाउनलोड करके TWRP रिकवरी से फ्लैश करेंगे तो वो फ्लैश हो जाएगा। अब TWRP रिकवरी कैसे फ्लैश करना है उसका भी वीडियो है गाइज, तो बहुत सारे वीडियोस मैं दे चुका हूँ। तो उसके बाद आपको एक फाइल को डाउनलोड कर लेना है जो कि है गाइज 2 फाइल बेसिकली, एक है Magisk का एंड दूसरा है गाइज Mi 12 कैमरा मोड का। तो इन दोनों फाइल को फ्लैश करना है। तो कैसे करना है? तो सबसे पहले गाइज चलिए अब हम लोग चलते हैं TWRP रिकवरी मोड में रीबूट करके। तो रीबूट में जाएंगे गाइज एंड वॉल्यूम अप बटन को दबाए रहेंगे तो TWRP रिकवरी मोड हमारा खुल जाएगा। अब हमें क्या करना है? तो हम लोग सीधा जाएंगे गाइज इंस्टॉल में एंड यहाँ से Magisk मोड को इंस्टॉल कर लेंगे। तो स्वाइप टू कन्फर्म फ्लैश करेंगे एंड यहाँ से हमारा जो है Magisk मोड फ्लैश हो जाएगा। गाइज Magisk फ्लैश हो गया। अब हम लोग इसे रीबूट करने वाले हैं। तो हमारा जो फ़ोन है वो रीबूट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं Magisk मैनेजर एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर आप देखें कि इंडिकेट कर देगा कि यह जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो Magisk मैनेजर इज़ नाउ इंस्टॉल्ड। अब हमें ऐड ऑन को इंस्टॉल करना है। तो नीचे में हम लोग ऐड ऑन पर टैप करेंगे एंड ऊपर में क्लिक करेंगे कि हमें स्टोरेज से ऐड ऑन को इंस्टॉल करना है एंड जो भी परमिशन मांगे वो हम लोग दे देंगे। एंड उसके बाद हम लोग चलते हैं गाइज अपने डाउनलोड फोल्डर में। तो डाउनलोड फोल्डर में जा करके MIUI कैमरा मोड को सेलेक्ट करके इसे हम लोग ओके करेंगे एंड उसके बाद जो Magisk मैनेजर है वो इसे फ्लैश करना शुरू कर देगा। तो जी हाँ गाइज जो कैमरा मोड है वो हमें Magisk से फ्लैश करना है, वो TWRP रिकवरी से फ्लैश नहीं होगा, सिर्फ उसे Magisk से होगा। एंड फ्लैश होने के बाद एक बार हमें रिबूट कर लेना है। रिबूट होने के बाद हमारा जो कैमरा ऐप है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो कैमरा ऐप है वो अब हो चुका है अपडेट। तो हम लोग जैसे ही कैमरा ऐप को ओपन करेंगे एंड इसे आप स्वाइप अप करेंगे तो आप देखेंगे कि नए नए फीचर्स आ चुके रहेंगे, जैसे कि ड्यूल कैमरा मोड जिसमें आप 2 कैमरा को एक साथ खोल सकते हैं या फिर गाइज उसके अलावा भी कुछ कुछ नए नए फीचर्स जो है आ गए हैं। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस कैमरा ऐप में हमें क्या कुछ फीचर्स मिलता है जो कि कमाल का है एंड जो कि ज़बरदस्त है। दोस्तों अगर हम लोग बात कर लें कि कौन कौन सा फीचर मिलता है, तो जैसे ही हम लोग कैमरा ऐप को ओपन करेंगे एंड इसे स्वाइप अप करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको सबसे ड्यूल कैमरा मोड मिल जाता है। तो इस पर हम लोग टैप करेंगे तो फ्रंट कैमरा बड़ा हो जाएगा, बैक कैमरा छोटा एंड इस पर टैप करेंगे तो बैक कैमरा बड़ा होगा एंड फ्रंट कैमरा छोटा। एंड आप इस चीज़ को इस बटन पे भी टैप करके इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छे से काम करता है गाइज एंड 1080p में आप इससे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ब्लॉगिंग के लिए काफ़ी सही हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट मोड मिलता है गाइज वो है सुपर मून मोड। एंड मुझे नहीं पता कि इन्होंने सुपर मून मोड क्यों दिया है, बस 5x जूम हो जाता है बाई डिफ़ॉल्ट गाइज एंड आप इसमें कुछ इस तरह के फोटोज़ वगैरह लगा सकते हो, जो कि गाइज बहुत ही बचकानी सी हरकत लगती है ये वाला कैमरा एप्लीकेशन में ये वाला फीचर। तो ये मुझे कहूँगा कि ये कुछ काम करनी है। मैंने इससे कुछ जो है फ़ोटोज़ वगैरह लिए हैं तो कुछ इस तरह के जो है रिजल्ट आते हैं, जो कि गाइज लगता है कि बस अलग से किसी ने लगा दिया हो। तो जी हाँ बेसिकली गाइज कुछ इस तरह का लगता है। तो चलो सुपर मून मोड एटलीस्ट इन्होंने दिया तो है, पता नहीं क्या काम है। उसके बाद लॉन्ग एक्सपोजर मोड मिलता है जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो आप इसमें रात के लिए गाइज ये स्टार ट्रेल मोड या फिर स्टार स्काई मोड यूज़ कर सकते हो, जिसमें 30 मिनट तक की फोटोग्राफी करेगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्स को कैप्चर करने की कोशिश करेगा। या दिन में आप इन चारों जो है लॉन्ग एक्सपोजर मोड का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे कुछ और चीज़ें मिल जाती हैं जो कि स्पेशली मिलता है गाइज आपके वीडियोग्राफी मोड में। जी हाँ दोस्तों चलिए वीडियो में चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे टॉप में सबसे पहले SDR मोड मिल जाता है एंड आप इसे चाहे तो इनेबल कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको ऑडियो जूम का ऑप्शन मिल जाता है। तो जो ऊपर में ऑप्शन है गाइज वो है ऑडियो जूम एंड इससे ये होगा कि अगर आप दूर में कोई सब्जेक्ट खड़ा है तो उसके ऑडियो को ये जूम करके ज़्यादा अच्छे से कैप्चर करने की कोशिश करेगा। एंड फिर आपको 3D साउंड मोड मिल जाता है जो कि पूरा 3D में जो है ऑडियो को रिकॉर्ड करने की कोशिश करेगा। तो ये अच्छे से काम करते हैं, ये मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया है बट एटलीस्ट आपको ये मोड मिल जाता है। एक और चीज़ क्या है कि जो स्टेबलाइजेशन है वो अब तीनों ही कैमरा में काम करता है अच्छे से, यानी कि गाइज आपके वाइड एंगल लेंस में भी, 2x पोर्ट्रेट लेंस में भी, पोर्ट्रेट नहीं गाइज जूम लेंस में भी काम करता है एंड मेन कैमरा में भी EIS अच्छे से काम करता है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको मिल जाती है। चलिए चलते इसके सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे HDR10 मोड है, लेकिन वो डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड इसलिए है क्योंकि हमारा जो वीडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी है वो 1080p में सेट है। तो HDR10 के लिए हमें 4K 30fps में सेट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद आप जाएंगे सेटिंग्स में तो आप देखेंगे कि HDR10 इनेबल हो चुका है। तो आप इसे चाहे तो ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आप ऑन करेंगे तो इसमें जो आपकी क्वालिटी आएगी वो बहुत ही ज़्यादा कलर पॉप होगा। तो मैंने एक सैम्पल के लिए गाइस लिया हुआ वीडियो। तो आप ये वाली जो वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, ये बिल्कुल ही नॉर्मल कैमरा से मैंने वीडियो लिया है। तो बिल्कुल ही अच्छा कलर आया है, बिल्कुल स्वीट एंड सिंपल आया है। लेकिन वही गाइस में अगर HDR10 वाली वीडियो देखेंगे तो ये देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पॉप कलर आया है। मतलब कि गाइस कलर बहुत ही ज़्यादा पॉप हो रहा है, एक्सेस पॉप हो रहा है। तो आई डोंट नो, शायद HDR10 का यही काम है कि इतना ज़्यादा कलरफुल दिखाए। तो नेचर वगैरह का फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है ये HDR10। तो ये मोड भी आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको विंड नॉइज़ फिल्टर मिलता है। तो अगर आप ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है तो विंड के नॉइज़ को भी ये फिल्टर करने की कोशिश करेगा। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद गाइज आप जाएंगे प्रो मोड में। तो आप देखिए कि एक नया ऑप्शन मिलता है जो कि है गाइज प्रो मोड में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। एंड आप उसमें जाएंगे तो यहाँ पे लॉग मोड मिलता है। तो लॉग मोड क्या है? तो जैसे कि आप फोटोग्राफी में रॉ मोड में कैप्चर करते हैं, उसी तरह से वीडियोग्राफी में लॉग मोड होता है, जिसमें गाइज बहुत ही ज़्यादा डेटा कैप्चर होता है, जिसके बाद आप पोस्ट प्रोसेसिंग में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स वगैरह कर सकते हो। कॉन्ट्रास्ट, कलर, सैचुरेशन, सब कुछ गाइज ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें एडिटिंग कर पाओगे। उसके बाद मूवी फ्रेम मोड मिल जाता है, जिसमें आप 21:9 में ले सकते हो। हिस्टोग्राम वगैरह जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो जी हाँ, प्रो मोड में भी आपको काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। खास करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो प्रो मोड में, ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन गाइस फोटो मोड में एक नया ऑप्शन मिलता है जो कि Mi 10 तक मिलता था। एंड वो ये है कि आप इसमें कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, शार्पनेस को कंट्रोल कर सकते हो। जी हाँ गाइस, कितना ज़्यादा बढ़ाना या घटाना है ये ऑप्शन गायब हो गया था Mi 10 के बाद से। लेकिन फिलहाल गाइस इस कैमरा पे मिल जाता है। एंड फिर आपको गाइस मिलता है कि कितना ज़्यादा नॉइज़ रिड्यूस होना चाहिए आपके फोटो में, तो वो भी आप यहाँ से ZSL वगैरह भी इनेबल कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है गाइस। तो जी हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं इस कैमरा एप्लीकेशन में, बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। एंड अगर आप जाते हो पोर्ट्रेट मोड में गाइज, तो यहाँ पे क्लिक करके फुल बॉडी पोर्ट्रेट ले सकते हो। जैसे कि आप लोग जानते हो Redmi K20 Pro में सिर्फ और सिर्फ टेलीफोटो लेंस का इस्तेमाल होता है पोर्ट्रेट के लिए। इन फुल बॉडी पोर्ट्रेट अगर आप इनेबल करोगे तो मेन कैमरा पर चला जाएगा एंड पूरे बॉडी का पोर्ट्रेट लेने की कोशिश करेगा। तो ये भी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है इस कैमरा ऐप में। तो ओवरऑल इस कैमरा ऐप में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। हाँ, थोड़ा बहुत बगी हो सकता है किसी किसी ऑप्शंस में, हो सकता है किसी किसी ऑप्शंस में ये अच्छे से काम ना कर पाए। बट गाइज काफ़ी ज़बरदस्त मेरे टेस्टिंग में काम कर रहा है एंड मुझे ये कैमरा ऐप काफ़ी पसंद आया। तो आप लोग चाहो तो इसे फ्लैश कर सकते हो अपने EU रोम पे। सो गाइज़, ये था ट्यूटोरियल किस तरह से आपको फ्लैश करना है। एंड मैंने पूरा का पूरा इसका फीचर्स भी बता दिया। अब आप में से कुछ लोग पूछे हैं कि आखिर इसे रिमूव कैसे करना है अगर सही से काम नहीं कर रहा कैमरा। तो सिंपल आपको मैजिस्क मॉड्यूल में जाना है एंड यहाँ पे मॉड्यूल्स में जाना है एंड यहाँ पे जा करके Mi 12 के कैमरा मोड को ऑफ कर देना है। एंड उसके बाद आपके अपने फ़ोन को रीबूट कर लेना है। आप चाहे तो पूरी तरह से कम्प्लीटली रिमूव भी कर सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। एंड उसके बाद रीबूट करेंगे तो फिर वो जो है मॉड्यूल हट जाएगा एंड वापस से आपका पुराना कैमरा वापस आ जाएगा। आप चाहे तो इसी तरह से मैजिस्क को भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैजिस्क में जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलता है अनइंस्टॉल मैजिस्क का ऑप्शन, क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये अनइंस्टॉल हो जाएगा।